अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज है वीडियो कुकिंग के, बिल्कुल। तो आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की मूंग की भुनी हुई दाल की। तो ये दाल जो है मेरे ससुराल में बनती है और ये मैंने अपनी शादी के बाद सीखी ससुराल में, तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो आज उनकी फरमाइश पर जो बन रहा है डिनर में मूंग की भुनी हुई दाल, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। मैंने लिए हैं 2 प्याज और उनको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर से, और उसमें मैंने डाल दिए हैं ये 3 स्पून जो है ऑयल के, और मैंने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने ले लिए हैं 3 बड़े टमाटर, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। दाल को मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जाएगा स्पेशल, ये हमारे ससुराल में बनता है मिक्स मसाला, तो ये मैं डालूंगी 2 स्पून। अगर आपके पास मिक्स मसाला नहीं है तो इसमें आप जो है हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें और ले सकते हैं। तो मैं ये दाल में यूज़ करती हूँ, इस दाल में मिक्स मसाला। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इस मसाले में नमक नहीं होता तो इसलिए मैं ये नमक भी इसमें डालूंगी। तो ये हैं इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स: लहसुन अदरक का पेस्ट, मूंग की भीगी हुई 2 घंटे की दाल, 2 टमाटर 3 टमाटर और 2 प्याज, ऑयल और ये घर का मिक्स मसाला, और ये है नमक जस्ट। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन करके फिर इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज में अच्छे से मैं भून लूंगी। मसाले मैंने निकाल लिए हैं, हल्दी और मिक्स मसाला और नमक, और थोड़ा सा मैंने जीरा भी ले लिया है, और यहाँ पे मेरी प्याज। तो जी प्याज मेरी हो गई है गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। डाल दिया है मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी लहसुन अदरक के पेस्ट को। जी तो मसाला जो है वो भून चुका है और ऑयल देखें ऊपर आ गया है माशाल्लाह से। तो थोड़ा सा ये और फ्राई होगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी मूंग की ये भीगी हुई दाल, और इसको फिर मैं फ्राई करूंगी, ठीक है। दाल के बस पानी नहीं लगा देना, बल्कि अब इसका जो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, कि इस दाल को मैं अब इसमें डाल के और इस मसाले में मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका पूरा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और दाल भुन जाए। फिर मैं इस दाल में थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे पकाऊंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे पकाऊंगी। तो वो कैसे बनाऊंगी आगे देखें आप लोग। माशाल्लाह से मसाला अच्छे से भुन रहा है, ये देखें। जब ये थोड़ा सा लगने लगेगा तो फिर मैं इसमें दोबारा से डाल दूंगी दाल डाल के, फिर और भुनाई करूंगी, और फिर ये भी मैं तब तक भूनूंगी तब तक इसका पानी पूरा खुश्क नहीं हो जाता। तो अभी ये देखें मसाला चिपक नहीं रहा है, तो मैं इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाऊंगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। अब आ गया है टाइम ये दाल डालने का, तो ये दाल डालूंगी मैं। जी तो दाल डाल के अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी इसमें टमाटर के इस पूरे मसाले में। इस दाल को अच्छे से अब भूनना है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। हमारे ससुराल में बहुत शौक से भी खाई जाती है, बनती भी है। मेरे घर में जो थी वो मिक्स दाल जो है मूंग मसूर की दाल पकती थी, ये वाली भुनी हुई दाल नहीं बनती थी। तो जब मेरी शादी हुई और मैंने कुछ टाइम के लिए कुकिंग जब स्टार्ट की, तो फिर मैंने वहीं से ही ये सीखी है, ये मूंग की भुनी हुई दाल। माशाल्लाह इस स्टेज पे आपने इसको अच्छे से भूनना है, और जब आपका मसाला जो है वो पॉट में लगने लगे तो उसका मतलब है कि ये भुन चुकी है। फिर हम उसमें 1 ग्लास पानी डाल के इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे इसको गलाएंगे दाल को,
और बार बार देखते रहेंगे। अब ये देखें मसाला नहीं लग रहा ना, ये देखें जैसे ही नीचे मसाला लगने लगेगा तो हमारी दाल जो है वो भुन जाएगी। चम्मच चलाते रहें, चम्मच आपका क्योंकि आँच मेरी फुल है यहाँ पे चूल्हे की, जी तो दाल जो है ये देखें उसका मसाला जो है अब नीचे लगने लगा है, इसका मतलब है कि ये अब फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी एक गिलास पानी। अब मैं इसको धीमी आंच पे गलने के लिए रख दूंगी। ये देखें दाल जो है मेरी लग रही थी, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी और अब मैं इसको धीमी आंच पे दम पे इसको मैं गलाऊंगी। इस स्टेज पे जाएगी दाल दम पर, माशाल्लाह। दाल गलने के लिए मैंने रख दी है तो हर 10 मिनट के बाद मैं इसको पलट लूंगी। ज्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा, बिल्कुल ख्याल ख्याल से जो है दाल को ऊपर नीचे या घुमा के जो है उसकी जो नीचे की बेस है उसको चेंज करते रहिएगा। तो 2 से 3 दफ़ा या 2 दफ़ा इसको आप पलटती रहिएगा दाल को, चम्मच ख्याल से चलाइएगा तो इंशाल्लाह ये आधे घंटे के बाद हो जाएगी रेडी, दम पे पकेगी। जब आपकी दाल गल जाए तो उसका मतलब है कि आप रेडी है। 15 मिनट के बाद मैंने दाल देखी है तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा बिल्कुल एक घूंट के बराबर जो है मैं इसमें पानी डालूंगी। फिर दोबारा इसको 10 से 15 मिनट के लिए मजीद जो है दम पे पकाने के लिए गलने के लिए रख दूंगी। इंशाल्लाह अब 10 से 15 मिनट के बाद ये टोटल गल जाएगी तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है मेरी मूंग की भुनी हुई दाल, मूंग दाल फ्राई। और माशाल्लाह इसके साथ जो हमारे ससुराल में लवाजमात होते हैं वो ये होते हैं कि प्याज होती है, लेमन होता है, लेमन की जगह किसी को अचार पसंद है तो अचार, और रायता मस्ट होता है। तो रायता इस दाल के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है खाने में, प्याज बहुत अच्छी होती है और फिर इस लीमू छिड़क के खाया जाता है। अगर अचार खाना है तो अचार, इट्स अप टू यू। तो जी रेडी है मेरी मूंग दाल फ्राई, मूंग दाल की रेसिपी माशाल्लाह से मैंने आपके साथ शेयर की और आज हस्बैंड की फरमाइश पे बनी है तो दिल से लगता है कि बनाई है और डेकोरेट की है। तो आज आएंगे हस्बैंड तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको पसंद आएगी मूंग की दाल। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, ये है फाइनल लुक और मैंने डेकोरेशन भी की है, सजावट भी की है। ये है रायता, ये है मिक्स अचार, ये है प्याज और लीमू। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल पे न्यू है, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो एक अंगूठा चिपका दें, लाइक कर दें मेरी इस वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें सेहतमंद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। डन।